देखते हैं चढ़ के, चढ़ तो जाऊंगा ही। लास्ट व्लॉग देखा होगा, हम लोग बुद्धिकोटे डैम गए थे। धूप काफ़ी थी बट इट्स अ गुड प्लेस फॉर वन डे विजिट, मैंने एक्सप्लेन किया था उसके बारे में। उसके बाद अपना प्लान था सोमेश्वरा टेम्पल जाने का, तो हम लोग वहाँ से निकल लिए थे और वहाँ से अराउंड 30 किलोमीटर्स था, लेकिन रास्ते में हमें पड़ गया साइनाइड हिल, तो जो कि KGF के पास था, तो वहाँ पर हम रुक गए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर वहाँ से आगे निकल लिए। तो मैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज पवन मिश्रा एंड यू आर वाचिंग ऑटो ट्रिप। तो दोस्तों, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, हम लोग बुद्धिकोटे डैम गए थे, तो वहाँ से हम लोग सोमेश्वरा टेम्पल के लिए निकलने वाले थे, तो निकल चुके हैं हम लोग। और उससे पहले एक साइनाइड हिल जो कि KGF में आता है, वहां पे हम लोग आ चुके हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही वो साइनाइड हिल है। तो अब पता नहीं ऊपर जा सकते हैं कि नहीं, आगे चल के देखते हैं। ये रास्ता जा रहा है पीछे से, तो देखते हैं क्या सीन है वहां पर। तो दोस्तों, मैं इधर खड़ा हूँ साइनाइड हिल के पास, आप मेरे पीछे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो अब मैं इसके ऊपर चढ़ने जा रहा हूँ, आइए चढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये एग्जैक्टली। तो KGF कोलार गोल्ड फील्ड, तो कहते हैं कि यहां पर सोने की खान हुआ करती थी पहले। तो अपने पीछे ये देख सकते हैं KGF की फैक्ट्री है, जो कि अब बंद हो चुकी है। और जब भी ये गोल्ड प्रोड्यूस किया जाता था तो उसका डंप यहां पर फेंका जाता था, तो इसको साइनाइड डंप भी बोलते हैं। ये थोड़ा सा टफ है चढ़ना, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। तो फैमिली को लेकर आने में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो लोग नीचे वेट कर रहे हैं, मैंने सोचा चढ़ के देख लेते हैं क्या है, कैसा दिखता है यहाँ से। तो ये वो फैक्ट्री है जो कि बंद हो चुकी है, और अपने चारों तरफ ये साइनाइड हिल। इसका स्ट्रक्चर काफी यूनिक है, इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर हिल। तो जितना ऊपर चढ़ते जाएंगे हाइट बढ़ती जाएगी। अब इसके ऊपर चढ़ना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक बार और ट्राई करते हैं, देखते हैं चढ़ के, चढ़ तो जाऊंगा ही। अच्छा हुआ बारिश नहीं हो रही है अभी, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट टू क्लाइंब। तो आ गया फाइनली मैं यहां पर, थ्री सिक्सटी डिग्री व्यू साइनाइड हिल का, व्यू काफी अच्छा लग रहा है यहां से, थोड़ा अलग है बाकी सबसे। और भी ऊपर चढ़ा जा सकता है, काफी ऊंचा है ये,
लेकिन अब मैं थक चुका हूँ दोस्तों, तो अब यहाँ से वापस चलते हैं और अब देखते हैं यहाँ से सोमेश्वरा टेम्पल कितना दूर है, वहाँ चलते हैं। तो अराउंड 4 o'clock हो रहा है अभी। दोस्तों कोलार में बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी हद तक मैंने कवर कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ मेन पॉइंट्स बाकी हैं जिनको कवर करना है। एक बार और सोच रहा हूँ और ट्राई कर लूँ थोड़ा और ऊपर जाने का, देखते हैं जा सकते हैं क्या। तो दोस्तों चढ़ने को तो मैं चढ़ गया, लेकिन अब उतरने के बारे में सोचना पड़ेगा। ओके लेट्स ट्राई। जय श्री राम। अरे अगर आप आते हैं तो थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, अगर गिर गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आ गया भाई, आ गया। एक स्टेप और नीचे चलते हैं। दोस्तों जब मैं निकलने लगा तो मैंने देखा कि एक रास्ता था और कार को लेकर हम लोग ऊपर हिल तक आ सकते हैं, तो मैं लेकर आ गया यहाँ पर और उसी पॉइंट पर मैं आ गया हूँ जहाँ पर अभी मैं वॉक करके ऊपर आया था। तो एक बार और 2 मिनट स्टे कर जाते हैं फिर चलते हैं, तो देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, कैसा लग रहा है। हाँ कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, काफी डिफरेंट है, मतलब ये हिल है बट काफी डिफरेंट। क्या स्लीपरी, मतलब रेनी सीजन में आ सकते हैं यहाँ पे कुछ बारिश हो तो। बारिश में तो आना मुश्किल लग रहा है क्योंकि थोड़ा लग रहा है स्लीपरी होगा ना, मड्डी मड्डी सा भी फील हो रहा है, हिल्स भी और मड भी दोनों साथ में। रास्ता बना हुआ है काफी, पीछे गाय भैंस भी ऊपर तक आ चुके हैं और बहुत सारे फैमिली वाले भी आ रहे हैं धीरे धीरे मेरे पीछे। सकते हैं यहाँ पर सेफ जगह है, उतना क्लीन नहीं है जितना एक्सपेक्टेड था, लेकिन एक बार विजिट के लिए ठीक ठाक जगह है। तो दोस्तों ये नीचे जाने का रूट है, आते समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा आराम से ड्राइविंग करना है तो आया जा सकता है ऊपर। दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज आ गया है, एक्चुअली पास में कोटिलिंगेश्वरा टेंपल भी है जो कि हार्डली 4 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ पे, तो सोच रहे पहले वहां पे चले जाएं, काफी दिन से वहां भी जाना था लेकिन जा नहीं पा रहे थे, तो आज वहां चलते हैं, उसके बाद फिर टाइम मिलेगा तो सोमेश्वरा टेम्पल चलेंगे, अदरवाइज फिर किसी और दिन चलेंगे। तो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स कोटिलिंगेश्वर टेम्पल, मिलते हैं आपसे। सो गाइज वी आर गोइंग टुवर्ड्स कोटिलिंगेश्वरा टेम्पल एंड आई विल क्रिएट सेपरेट वीडियो फॉर दैट। तो मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो साइनाइड हिल का आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू सून, तब तक के लिए बाय बाय।